इससे पहले कि एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के एडिटोरियल को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, SSC हो, BSC कुछ भी हो, या बैंकिंग हो, कुछ भी कर रहे हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो ये इंटरनेशनल टॉपिक है या इंटरनेशनल मुद्दों पर आधारित टॉपिक है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें हम लोग टैक्स या इकोनॉमी की बात करेंगे, GDP की बात करेंगे, जो फाइनेंस या इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तीसरी बात ये, इसमें कई ऐसे टर्म्स आएंगे जो आप सीखेंगे, जो कि आपका जनरल नॉलेज की तरह यूज़ होगा। और आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, खासकर BPSC वगैरह की अगर तैयारी करते हैं, तो उसमें जो करेंट पे आधारित जितने भी मुद्दे होते हैं वो पूछे जाते हैं। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन मजबूत होगा, साथ ही जो भी पार्ट पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं इस एडिटोरियल में क्या चर्चा होने वाली है, इस पर आपको ध्यान से समझना है। थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगेगा, बट समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। पहले हम लोग टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। इनकरेजिंग एकॉर्ड, इनकरेज करना का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं सहमति, यानी किसी मुद्दे पे यहाँ पे सहमति बनी है। अब सहमति किस बात पे बनी है? ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स। सवाल ये उठता है कि अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स है क्या, तो इसके बारे में समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करके बताता हूँ क्या है। आप देखते होंगे कि हमारे देश में कई मल्टीनेशनल कंपनीज काम करते हैं, जैसे गूगल है, एप्पल का कंपनी देख लो, या फिर अमेज़न, फेसबुक, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हमारे देश में हैं और हमारे देश में रह करके प्रॉफिट कमाते हैं। बट जहाँ पर टैक्स देने की बात आती है तो क्या करते हैं कि ये टैक्स को इवेड करते हैं, यानी टैक्स से देने से बचते हैं। और चूँकि इनका एक प्रॉपर आकलन हो नहीं पाता है कि उनकी प्रॉफिट कितनी होती है, ऐसे में टैक्स उन पर लगाना मुमकिन नहीं हो पाता है सही से। और जब टैक्स देने की बारी आती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे देश का हवाला देना शुरू कर देते हैं और अपने फंड को ट्रांसफ़र ऐसे देश में करके दिखाते हैं जहाँ पे चाहे तो इन पर टैक्स नहीं लगाया गया है या फिर बहुत कम टैक्स लगाया गया। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर भारत में है, ठीक है, भारत में इन पर 10% का टैक्स लग रहा है इनके प्रॉफिट पे, तो ये क्या कहते हैं कि नहीं, आपके यहाँ से मेरी प्रॉफिट नहीं हुई, बगल वाले कंट्री यानी चाइना से हुई है जहाँ पे टैक्स 2% इसका है। यानी प्रॉफिट को उन देशों के साथ जोड़ करके दिखा देता है जहाँ बहुत कम टैक्स लगता है या फिर ना के बराबर लगता है, जिससे वो टैक्स की चोरी करता है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैक्स इवेडर्स हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स अवॉइड करते हैं, ऐसे कंपनीज़ पे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे लगाम लगाने के उद्देश्य से G7 की बैठक हुई। और G7 में इनके बैठक में फैसला लिया गया कि एक मिनिमम टैक्स का, यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स का एक लिमिट तय कर देनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि टैक्स देने से बचती हैं उन पे शिकंजा कसा जा सके, जिसकी चर्चा हम लोग आगे में भी करेंगे। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स वही है कि ग्लोबली एक मिनिमम टैक्स फिक्स कर दिया गया है जो कि 15% किया गया है, इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। द पॉलिटिकल विल शोन बाई, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, विल का मतलब इच्छा शक्ति, जो दिखाया गया है किसके द्वारा, बाय G7। G7 देखो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हो। G7 सेवन कंट्रीज़ होंगे जैसा इसका नाम है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक समूह है जिसमें भारत नहीं है, याद रखिए इसमें सेवन कंट्रीज़ हैं। और सेवन कंट्रीज़ में जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गई, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इसमें G7 में आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इसको याद करता था तो इसको एक ट्रिक के साथ याद करता था। इसका ट्रिक ऐसे आप याद कर सकते हो, G7 कंट्रीज़ गर्लफ्रेंड को, अब देखो यहाँ पे जूस, JUICE, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ठीक है, यानी आपको देखना है GF और जूस। G4 हो गया जर्मनी, F4 फ्रांस, J4 जापान, U4 USA हो गया,
और आई है, आई फॉर इंडिया नहीं है, आई फॉर इटली हो गया, और सी फॉर चाइना, और ई फॉर इंग्लैंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, गर्लफ्रेंड जी जर्मनी, एफ फ्रांस, जे जापान, यू यूएसए, आई इटली, सी चाइना, ई इंग्लैंड यानी यूके। ये सारे कंट्रीज हैं G7 में। इनके फिनांस मिनिस्टर्स जितने भी थे उनकी एक मीटिंग हुई थी, और इनके मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स करना चाहिए। तो अब समझ में आ गई होगी बात कि G7 क्या है। द पोलिटिकल वे शोन बाय G7 टू इंश्योर फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि सबके साथ क्या हो, जस्टिस हो। इन रेवेन्यू, किस मामले में, राजस्व के मामले में। तो राजस्व के शेयरिंग के मामले में फेयरनेस अपनाया जाए। फेयरनेस का मतलब किसी को इनजस्टिस का सामना ना करना पड़े। इज़ गुड, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ऑगरी है, अ गुड ऑगरी। ये पूरा का पूरा यहाँ देखो, अ गुड ऑगरी का मतलब होता है, ऑगरी का मतलब फ्यूचर में इसका अच्छा फ़ायदा होगा, एक अच्छा संकेत है, इंडिकेशन कह सकते हो, एक अच्छी इंडिकेशन है। यानी जो पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति G7 के द्वारा दिखाया गया है कि जो राजस्व है उसमें फेयरनेस आए, उसमें जस्टिस आए, इसके लिए इसका एक अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है भविष्य में, एक अच्छा साइन है भविष्य के लिए, ऐसा समझिए। आगे पढ़ते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द G7 नेशंस, जैसा कि मैंने बताया जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं G7 नेशंस के, अपीयर टू हैव हीडेड, हीडेड का मतलब होता है पे अटेंशन टू, ध्यान देना। द एडवाइस, क्या एडवाइस है, टू नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, कि कभी भी एक अच्छे क्राइसिस को वेस्ट में जाने से रोकना चाहिए। अब इसको समझिए, इस ये जो बयान दिया गया था ये चर्चिल के द्वारा दिया गया था। आई रिमेम्बर चर्चिल कौन थे, इनके बारे में जानिए थोड़ा। चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के एक पीएम रहे हैं, यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के पीए रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के पीएम रहे हैं 1995 टू 1955, एक बार इनका कार्यकाल था 1940 से लेकर के 45 तक, 5 साल इधर रहे, और फिर 51 से 55 तक रहे थे। अगर आप विंस्टन चर्चिल के बारे में जाने तो यही स्टेटमेंट दिया गया था उनके द्वारा, क्या, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी मोदी ने बोला था ना, आपदा जो है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो क्राइसिस कभी भी जो होता है वो एक अच्छा ही होता है, जिससे आपको कुछ सबक मिलती है और उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी क्राइसिस से सबक लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, उसको बर्बाद होने देना नहीं चाहिए, विंस्टन चर्चिल का कहना था, जो कि यूके के पीएम भी थे 40 to 45 एंड 51 to 55। क्लियर, यानी यहाँ पे कहा गया G7 के नेशन के द्वारा, उन्होंने इस बात पे जोर दिया, यानी अपने आप को सहमति जताई कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए हमारे सामने, क्राइसिस के रूप में ही क्यों ना हो, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हेन दे एग्रीड, जब वो एग्री हो गए, एग्री का मतलब सहमत हो गए, लास्ट वीक, पिछले वीक, टू सेट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। किस बात पे उनकी सहमति बनी, कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो मैंने अभी पहले बताया था लिमिट कर दिया जाए, जो कि 15% होगा। विद द COVID-19 पैंडेमिक हैविंग कॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी टू श्रिंक बाय एन एस्टिमेटेड 3.5% इन 2020। विद कोविड 19 के वजह से, जो पैंडेमिक की वजह से, जो कि हम वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, वो श्रिंक कर गई है, सिकुड़ गई है, कितना कम हो गया है वो, 3.5% इन 2020। एंड फोर्स्ड मोस्ट कंट्रीज टू डीप इनटू देयर कॉफर्स, और कई कंट्रीज़ को फोर्स मतलब मजबूर कर दिया है कि वो अपने फंड के निचले स्तर में चले जाएँ। फंड, कॉफर्स का मतलब होता है ट्रेजरी या फंड कह सकते हो। टू मिटिगेट द फॉल आउट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, फॉल आउट का मतलब होता है जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट हैं इसका, उसको कम करने में। फिर से समझते हैं यहाँ से, G7 की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभी आपदा के रूप में अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, उसको जाया नहीं करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और उन्होंने एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की घोषणा की, जिस पे सबकी सहमति रही 15% की, और COVID-19 की वजह से कई ऐसे वर्ल्ड की इकोनॉमी है जो पूरी तरह से श्रिंक कर गए हैं, और उसका दिया गया कि लगभग एस्टिमेटेड अनुमान कितना लगाया गया, 3.5% इन 2020।
एंड कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और जो उनकी जो एडवर्स इफेक्ट है उसको कम करने में नाकामयाब रहे हैं। द सेवन रिचेस्ट नेशंस ऑप्टेड टू यूज़ द अपॉर्चून मोमेंट टू प्लग अ की लूपहोल इन द इंटरनेशनल टैक्स रिजिम। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि G7 में जो शामिल देश हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के हैं, जितने भी नाम मैंने बताया आपको सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तीनों इनका अब फर्ज बनता है कि आगे आकर के कुछ ऐसा एक्शंस लें जिससे जो भी कंट्रीज़ कोरोना वायरस के कारण जो प्रभावित हुए हैं उसको कुछ फ़ायदा हो सके। तो कहा गया द सेवन रिचेस्ट नेशंस ऑप्टेड टू यूज़ अपॉर्चून मोमेंट, यानी जो अभी परफेक्ट फेवरेबल मोमेंट है अभी उसका इन्होंने जो सेवन रिचेस्ट कंट्रीज ने ऑप्ट का मतलब होता है इस्तेमाल किया, यानी ट्राई टू यूज़। ऑप्टेड टू यूज़ मतलब क्या, ट्राई टू यूज़ टू प्लग की होल, देखिए ध्यान दीजिए, टू प्लग अ की लूप होल, यानी जो भी लूप होल का मतलब होता है जो कमी है, फॉल्ट है, उसमें क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा चेंजिंग करना जिसके वजह से फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। यानी इस बार G7 जो नेशंस हैं उनको एक लगा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए टू प्लग अ की लूप होल, यानी जो कमियां हैं उसमें ताला लगा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। इन द इंटरनेशनल टैक्स रिजिम सिस्टम, रिजिम का मतलब क्या होता है, सिस्टम। तो जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टैक्स का जो सिस्टम है उस पर क्या लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया। इन अ कम्युनिक, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन समझिएगा, कम्युनिकी नहीं इसको पढ़ते हैं, कम्युनिके, कम्युनिके द G7 मिनिस्टर्स स्टेट, यानी ये बातचीत में कम्युनिके का मतलब देखिए समझिए इसका क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा कि एक बुलेटिन जारी किया गया या फिर विज्ञप्ति जारी की गई, तो कम्युनिके का मतलब होता है विज्ञप्ति या बुलेटिन। यानी बुलेटिन में किसने, G7 के मिनिस्टर ने जोर दिया, यानी जो बात होती है उसके बाद बुलेटिन जारी की जाती है, उसमें जो G7 मिनिस्टर्स शामिल हुए थे उन्होंने जोर दिया दैट एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू सिक्योर अ सेफ एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर, यानी भविष्य जो हमारा हो वो सिक्योर हो, सेफ हो, प्रोस्पेरस हो, समृद्ध हो, ठीक है, इस पार्ट के लिए, इसके लिए, इसको, इस एफर्ट को सिक्योर करने के लिए, फॉर ऑल, सबके लिए, दे वुड स्ट्रांगली बैक द ब्रॉडर एफर्ट्स अंडर वे थ्रू द G20। और उन्होंने क्या स्ट्रेस दिया कि सेफ प्रोस्पेरस फ्यूचर सबके लिए हो, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, दे वुड स्ट्रांगली बैक, बैक का मतलब सपोर्ट करना, द ब्रॉडर एफर्ट्स, जो बड़े पैमाने पर एफर्ट्स है जो अंडर वे है, अंडर वे मतलब कंटिन्यू है, मतलब जारी है, किसके द्वारा, थ्रू द G20 और OECD, किसके द्वारा, तो G20 या कह लो OECD के द्वारा, टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी इन्होंने जोर दिया कि हम लोग सपोर्ट करेंगे G20 और OECD को जो एड्रेस कर रहे हैं टैक्स चैलेंजेस को, टैक्स से उत्पन्न होने वाले चैलेंजेस को क्या कर रहे हैं, वो टैकल कर रहे हैं, एड्रेस करना मतलब टैकल कर रहे हैं, जो किसके वजह से अराइज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की वजह से, और डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी में जो हो रहा है उस जो चैलेंजेस आ गए हैं टैक्स को लेकर के इकोनॉमी में, उसको क्या करेगा, बैक करेगा, सपोर्ट करेगा, G20 के फैसला का स्वागत करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ गया G20 में 28 कंट्रीज़ हैं, और उसके अलावा एक आ गया OECD। OECD का वर्क क्या होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। OECD ऐसे इसका फुल फॉर्म देखें तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिएगा 1961 में। और कभी कभी हेड क्वार्टर पूछा जाता है इसका, तो इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में, पेरिस का है फ्रांस में। तो अब इसका काम क्या होता है, तो जैसा इसका नाम है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी एक कोऑपरेट करता है आर्थिक मामलों को लेकर के दूसरे देशों के, दूसरे संगठन के साथ बातचीत करके मामला को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक 140 कंट्रीज़ के साथ एक काम करता है,
और सबका जो टैक्स का जो लेन देन है उस पे नज़र पैनी नज़र बनाए हुए रखता है और उस मामले में थोड़ा ये फैसला लेता है। द रैपिड एंड रिलेंटलेस, रैपिड मतलब तेज़ होता है बाबू, और रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना थके बिना रुके, मतलब कंटिन्यूसली। मार्च ऑफ मतलब प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो रैपिड बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की में एडवांसमेंट आ रहा है, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस, और ख़ास करके किस क्षेत्र में, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, किस क्षेत्र में, ग्लोबल मतलब वैश्विक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, एंड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी हैज़ रिजल्टेड इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इसका परिणाम क्या हुआ है, अ वर्ल्ड इकोनॉमी वेयर द डिजिटल स्फीयर एस्टिमेटेड इन 2016 एट 11.5 ट्रिलियन और ओवर 1/6 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। क्या आंकड़ा है, देखो इतनी रैपिड से बढ़ रही है कि 2016 का यह आंकड़ा बता रहा है कि 11.5 ट्रिलियन, जो कि पूरे ग्लोबल जीडीपी का यानी पूरे विश्व का जो जीडीपी है उसका 1/6 भाग है, टेक्नोलॉजी से केवल इतना अर्निंग हो रही है। एज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली मतलब रैपिडली आउटपेसिंग, एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है रैपिडली, आउटपेसिंग का मतलब उससे आगे बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे आगे चला जा रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही है कि जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, किस क्षेत्र में, ग्लोबल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, जिसका रिजल्ट देखने को मिला कि इसका 2016 में इसका आंकड़ा था 11.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पूरे विश्व के जीडीपी का 1/6 पार्ट है, ठीक है, और ये बहुत ही तेज़ी से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सरपास कर रहा है, उसको क्या करता जा रहा है, उससे आगे निकलते जा रहा है। द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन हैज़ हाउएवर, जो बढ़ता हुआ डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है आप इकोनॉमी में अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो उसके बारे में बात कही जा रही है। हाउ एवर एग्जासर्बेटेड, कई बार वर्ड आ गया है, मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, इंटेंसीफाई कर देना, इसने क्या कर दिया है, इंटेंसीफाई कर दिया, बढ़ा दिया है किस चीज़ को, चैलेंजेस को, जो चुनौतियाँ हैं उसको बढ़ा दिया है, टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और जो मुश्किल क्या हो गई, चैलेंज कि कैसे उस पर टैक्स लगाया जाए, टैक्सिंग को ये बढ़ावा दे दिया है। विच हैव सॉट टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो बाय रिकॉग्नाइजिंग अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू इन लो टैक्स ज्यूरिडिक्शंस। अब ये दिमाग क्या लगाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि ऐसे टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस पर टैक्स कैसे लगाया जाए, ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपना जो टैक्स आउटगो है, टैक्स जो उनको पे करना था, ठीक है, आउटगो मतलब जो उनका टैक्स बनता है कह लो, या फिर कह लो टैक्सेबल अमाउंट जो उनका था, वो क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा उनका राजस्व का भाग उस देश में, यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन का मतलब है, ज्यूरिडिक्शन का मतलब एरिया या कंट्री कह सकते हो। तो करते क्या हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो करती क्या है कि वो जब टैक्स देने की बारी आती है तो वो ये शो करती है कि आपके यहाँ मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट आपके यहाँ नहीं होता, ये शो कर देता है, और करता क्या है फिर कि वो दिखाता है उस देश में, उस लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन को दिखाता है जहाँ पे बहुत कम टैक्स उसको लगता है, यानी जैसे कि मान लिया जाए एक एग्जांपल से समझो, इंडिया और पाकिस्तान ले लो, फेसबुक यहाँ भी है, फेसबुक यहाँ भी है, ठीक है, अब देखिए इस पे, इसके प्रॉफिट पे हम लोग को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। अब क्या करता है कि जब टैक्स देने की बारी आती है तो ये शो करता है कि नहीं आपके यहाँ मेरी ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाई, इसलिए आपके यहाँ कहाँ से टैक्स दे पाऊँगा, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे इसको 10% अगर टैक्स लगता है, पाकिस्तान में ना या 2% लगता है, तो कहाँ दिखाएगा प्रॉफिट, ये दिखाएगा पाकिस्तान में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आपके यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि इससे जहाँ यहाँ इसको 10% देना पड़ रहा था, अब यहाँ पे इसको कितना देना पड़ेगा, केवल 2%, और ना भी देगा तो उसको चलेगा, ठीक है, तो इस तरह से टैक्स की चोरी की जाती है। तो वहीं पे क्या करता है, वेयर
ट्राई टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो, यानी जितना टैक्सेबल अमाउंट है उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। कैसे? बाय रिकॉग्नाइजिंग अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू, ये समझ करके जो उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है रेवेन्यू का, राजस्व का, इन लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, यानी उस क्षेत्र के बात करता है जहाँ पे लो टैक्स लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द OECD, जैसा कि मैंने बताया था कि OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विच इज़ द विद द G20 स्पेयर हेडिंग द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये जो है संस्था OECD, जो किसके साथ है, G20 के साथ है। स्पेयर हेडिंग का मतलब होता है लीड करना, लीड फ्रॉम फ्रंट, यानी फ्रंट से लीड कर रहा है किस चीज़ को, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन, इंक्लूसिव मतलब सम्मिलित होते हुए, फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा, ऑन किस पे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यही बात जो ऊपर कही गई वही है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे काम कर रहा है। यानी क्या करता है कि जब प्रॉफिट को उस देश के साथ ट्रांसफ़र करके दिखाता है जहाँ पे उसको टैक्स कम लगता है या ना के बराबर लगता है, इसी को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी प्रॉफिट को दूसरे जगह शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क पे काम कौन कर रहा है, G20 के साथ OECD। इनिशिएटिव एम्ड एट, क्या इसका एम है, एम देखिए क्या है, एंडिंग टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से जो बच जाते हो उस पे को समाप्त करने पर काम कर रहा है कौन, G20 कंट्रीज और OECD है, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि जो आप टैक्स को अवॉइड कर देते हो, टैक्स को इवेड कर देते हो, उससे बच के निकल जाते हो, उस पे रोक लगाने के लिए कौन काम कर रहा है, G20 के साथ OECD काम कर रहा है, ये बोलना है। एस्टिमेट्स, एक अनुमान है, क्या अनुमान है, दैट कंट्रीज आर कलेक्टिवली डिप्राइव्ड ऑफ एज मच एज $240 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू एनुअली। सोचो, कहा जा रहा है कि जो दुनिया की सब कंपनी कंट्रीज हैं अगर कलेक्टिवली बात करें तो उनके रेवेन्यू, राजस्व में कितना का घाटा हो रहा है इसकी वजह से, 240 बिलियन इन टैक्स उनको मिल सकता था ग्लोबली, लेकिन वो उससे डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब वंचित रह जाना, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, भी याद रखिएगा, द डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित रह गए, ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ MNCs जो कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज के अवॉइडेंस के कारण, यानी टैक्स ना देने के कारण इतना $240 बिलियन का जो है नुकसान हो रहा है। एज द OECD's सेक्रेटरी जनरल नोटेड इन अ स्टेटमेंट वेलकमिंग द G7 डील, एक किसके द्वारा नोटिस किया गया है, OECD's के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा, और इन्होंने G7 के जो डील को वेलकम करते हुए बोला था, सच डिस्टॉर्शंस, इस तरह के जो डिस्टॉर्शंस हैं, डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ मोड़ कर पेश कर देना, यानी ये कहना कि आपके यहाँ मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दूसरे देश में मेरा हो रहा है, वहाँ जहाँ टैक्स उसको नहीं देना पड़े, तो जो मुद्दे हैं, जो बात है, उसको डिस्टॉर्ट करके, यानी उसको मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जाता है। कैन ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड थ्रू अ मल्टीनेशनल एग्रीड सॉल्यूशन, मल्टीलेटरली एग्रीड सॉल्यूशन, कहा जा रहा है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो इफेक्टिवली मतलब बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है, एड्रेस्ड मतलब टैकल किया जा सकता है, उसको समाधान किया जा सकता है, किसके माध्यम से, थ्रू अ मल्टीलेटरली, मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट सॉल्यूशन से, यानी ऐसे मुद्दों को डील करने के लिए बहुपक्षीय समझौता का होना जरूरी है, एक अकेला कंट्री कुछ भी नहीं कर सकता है। द G7 ऑल्सो एग्रीड ऑन इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट, G7 इस बात पे भी एग्री हो गया कि इक्विटेबल मतलब बराबर, एलोकेशन का मतलब आवंटन ऑफ टैक्सिंग राइट्स, टैक्स के राइट पे इक्वल आवंटन हो, इसके पे भी वो क्या हो गया, राजी हो गया, विथ मार्केट कंट्रीज अवार्डेड टैक्सिंग राइट्स ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट एक्सीडिंग अ 10% मार्जिन फॉर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। कहा जा रहा है कि मार्केट कंट्रीज अवार्डेड टैक्सिंग राइट्स ऑन एटलीस्ट, जो मार्केट की कंट्रीज हैं उसने कितना टैक्स लगा रहे हैं, 20% प्रॉफिट एक्सीडिंग अ 10% मार्जिन, इसमें प्रॉफिट और इसका ये होता है कम से कम 10% का मार्जिन होना चाहिए जो टैक्स लगा रहे हो आप, मार्जिन फॉर द लेटेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज, उस पर लगाया जा सकता है जो जिनको प्रॉफिट हो रहा है,
फॉर इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग मोर देन $10 बिलियन, यानी भारत में अगर देखें तो इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि $10 बिलियन इसको अपने राजस्व में हानि हो रही है प्रत्येक साल ग्लोबल टैक्स एब्यूज की वजह से, यानी ग्लोबल टैक्स ना देने की वजह से। किसके द्वारा? MNCs के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द टैक्स जस्टिस नेटवर्क एंड वन ऑफ द मोर देन 90 कंट्रीज दैट हैव ज्वाइंट द BEPS फ्रेमवर्क। कहा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका अगर देखें तो $10 बिलियन का रेवेन्यू का इसका पर ईयर ग्लोबल टैक्स के अब्यूज़ के कारण, यानी सही से न देने के कारण हो रहा है MNCs के द्वारा। ये बातें किसके द्वारा कही गई है, आंकड़ा कहाँ से प्रस्तुत किया गया 10 बिलियन वाला? तो ये दिया गया है टैक्स जस्टिस नेटवर्क एंड वन ऑफ द मोर 90 कंट्रीज दैट हैव ज्वाइंट BEPS फ्रेमवर्क। BEPS होना चाहिए ना, हाँ है BEPS, यानी ये जो काम करता है कि प्रॉफिट कहीं हो रहा है किसी भी देश का तो उस पर क्या टैक्स होना चाहिए। तो जहाँ पे ऐसे जो फ्रेमवर्क में आते हैं, ठीक है, तो BEPS जो मैंने ऊपर में इसके बारे में चर्चा की थी, जिसका फुल फॉर्म होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम क्या होता है कि जब आप अपने जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट कर लेते हैं उस देश में, अपने प्रॉफिट को उस देश में शिफ्ट कर लेते हैं जहाँ पे चाहे तो टैक्स ना हो या फिर टैक्स हो भी तो बहुत कम लगता हो, इसी को BEPS कहा जाता है, यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम। इसके फ्रेमवर्क में 19 कंट्रीज आ गए हैं। अ वाइडर एग्रीमेंट एट नेक्स्ट मंथ मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कुड हैव अ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, कब करने की बात कर रहा है, एक अगले मंथ में एक मीटिंग होगी G20 का। G20 मतलब जिसमें बताया कि 20 कंट्रीज हैं और डेवलपिंग और वाइडर जो कंट्रीज हैं उसमें शामिल है, इसमें भारत भी है, याद रखिएगा। G20 में, G20 के में बोला गया है कि G20 की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया के जो GDP है ना, पूरा इकोनॉमी है वो, उसका 90% भाग इसमें है GDP का, यानी जितने कंट्रीज हैं उसका 90% जो GDP है वहीं है, ग्लोबल GDP का 90% इन्हीं G20 कंट्रीज में है, बाकी के जो बच गए देश 10% में सारे हैं। इसके अगर इतिहास की बात करें तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था G20 वो 1999 में हुआ था, और इस ये जो फ्रांस में है इसका, ये थोड़ा देखने की चीज़ है, बट इतना कंफर्म है कि ये G20 1999 में हुआ, बाकी कंट्रीज़ को आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो बात हो रही थी यहाँ पे कि अगले मंथ में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की मीटिंग होगी, जो कि कई ऐसे मुद्दों पर सहमति बनेगी जो फार रीचिंग है, जो समय के साथ उसका अच्छा इम्प्लीकेशंस होगा, प्रभाव होगा, ठीक है, यानी एक डिस्टेंट गोल है जो कि पूरा किया जाएगा। इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन MNCs। जो भारत है वो बेनिफिट प्राप्त कर सकता है, लेवी करना का मतलब थोपना, टैक्स लगाना, टैक्स लगा करके किसके ऊपर? MNCs के ऊपर, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इकोनॉमी जैंट्स, जो इंटरनेट के क्षेत्र में या फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना रोल रखते हैं उस पर, विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन द ग्लोबल टैक्स सिस्टम। जिन्होंने फ़ायदा उठाया है लूप होल्स का, लूप होल्स का मतलब जो कमियां हैं, किस चीज़ में कमियां हैं ग्लोबल टैक्स सिस्टम में, जो कमियां हैं उसका जो फ़ायदा उठा रहे थे उस पर टैक्स लगाकर फ़ायदा उठा सकता है। वाइल देर आर स्टिल रिंकल्स टू बी इग्नोर आयरनड आउट, लेकिन इसमें अभी भी कई रिंकल्स हैं, मतलब कमियाँ हैं, दैट इज़ टू, ऐसे रिंकल का मतलब झूरी जो पड़ जाता है वो होता है, जैसे रिंकल का मतलब यहाँ पर कमियाँ हैं जिसको आयरन आउट करने की ज़रूरत है, मतलब उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। क्या क्या और है? इंक्लूडिंग द इशू ऑफ लोकल लेवीज ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, और एक है कि लोकल स्तर पर क्या टैक्सेशन होना चाहिए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर। द पॉलिटिकल विल टू इंश्योर ग्रेटर फेयरनेस एंड इक्विटी इज इन रेवेन्यू शेयरिंग इज़ अ पॉजिटिव ऑगरी। जो ऊपर बात कही गई है कि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति
सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप सुनिश्चित करने के लिए कि जो रेवेन्यू का शेयरिंग हो रहा है वो जस्टिफिकेबल तरीके से हो, फेयरनेस के साथ हो, बराबर हो। इसके लिए चाहिए कि पॉजिटिव पॉलिटिकल विल आपके अंदर होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, बराबर रेवेन्यू का बंटवारा होगा, शेयर होगा, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव ऑग्री है, यानी आने वाले समय में इसका अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा साइन है। तो आज के इस एडिटोरियल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हुई जिसके बारे में आप फिर से जान लें। पहली बात, G7 कंट्रीज़ के बारे में आपको बताया गया। G7 कंट्रीज़ में 7 कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से आते हैं। उनको याद करने का तरीका मैंने बताया कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ऐसा याद रखना, गर्लफ्रेंड और जूस, इसमें 7 कंट्रीज़ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चर्चा हुई थी हमारी G20 की, जिसकी स्थापना 1999 में हुआ था। फिर आप देखें कि एक विंस्टन चर्चिल की चर्चा आई, जिनके बारे में बताया गया कि वो यूके के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि 1940 से 45 तक रहे और 51 से 55 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर जीके के लिहाज से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आप देखना, आपने देखा OECD के बारे में। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस यानी फ्रांस में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अगले एडिटोरियल के साथ।